गाइस बहुत दिनों की मेहनत के बाद हमने बना लिया है अपना खुद का आयरन मैन का मार्क 3 हेलमेट। तो गाइस इस हेलमेट को बनाने में हमें लग गए पूरे 2 हफ्ते, और 2 हफ्तों की मेहनत के बाद आप लोग यहां पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो वैसे हर वीडियो में हम लोग दूसरों के प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग अपने खुद का प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रहे हैं जो कि हमने खुद बनाया है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी किस तरीके से ऐसा एक आयरन मैन का हेलमेट बना सकते हैं, वो भी अपने घर पर, वो भी सिर्फ एक 3D प्रिंटर की मदद से। आप लोगों को इसे बनाने के लिए सिर्फ एक 3D प्रिंटर चाहिए, बाकी इसकी स्मूथनिंग और इसमें कैसे आप लोगों को अंदर चीजें लगानी है और क्या करना है ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग को चारों तरफ से, और गाइस इसमें हमने एक टच सेंसर दे रखा है जिससे आप लोग इसे खोल सकते हैं। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, सिर्फ आप लोगों को इस पर क्लिक करना है तो ये अपने आप ही खुल जाएगा, और यहाँ पर बस हल्के से ऐसे टच करने से ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आपके सामने ही करके दिखाया है। और गाइस इसमें हमने मोबाइल से ऑन ऑफ करने का भी फीचर दिया है, जिसमें आप लोग जैसे इसके मोबाइल पे बटन दबाएंगे तो फिर ये मास्क खुल जाएगा, और जब दोबारा बटन दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और लाइट्स ऑन ऑफ करने का भी हमने ऑप्शन दिया है इसके मोबाइल ऐप में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ कि आप लोग किस तरीके से ऐसा हेलमेट स्टेप बाय स्टेप अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस इस हेलमेट को बनाने के लिए आप लोगों को जरूरत होगी इसकी STL फाइल की, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, वहां से जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इसकी STL फाइल को आप लोगों को अपने किसी भी लैपटॉप के स्लाइसर में ओपन कर लेना है, और स्लाइसर में खोलने के बाद आप लोगों को उस फाइल को सेट कर लेना है जिस तरीके से आप लोग उसे प्रिंट करना चाहते हैं, और उसके बाद आप लोगों को स्लाइस करके अपने मेमोरी कार्ड में ले लेना है। और गाइस मेमोरी कार्ड में लेने के बाद आप लोगों को उसे अपने प्रिंटर में लगा के अपना प्रिंट शुरू कर देना है। तो गाइस यहां पर हमारा पहला पार्ट प्रिंट हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको प्रिंट होते हुए। तो गाइस यहाँ पे हमारा पहला पार्ट प्रिंट हो चुका है, तो अब मैं सारे पार्ट्स आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारे सारे पार्ट्स यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, और इन सब पार्ट्स के प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतने पार्ट्स हमारे प्रिंट हो चुके हैं, और कुछ पार्ट्स अभी रह गए हैं उसे हम बाद में प्रिंट कर लेंगे। उससे पहले अब हम इन पार्ट्स के ऊपर शुरू कर देंगे एक पुट्टी लगाना। तो गाइस हमने यहाँ पर ये वाली पुट्टी यूज कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही होगी, तो ये कार्स वाली पुट्टी है जो गाड़ियों पर यूज होती है, तो हम वो वाली यूज कर रहे हैं इस पर ताकि इसकी फिनिशिंग और बढ़िया आए। तो ये वाली पुट्टी हमने इन पर लगाना शुरू कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा पुट्टी लगाने वाला काम कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं सब पार्ट्स पर पुट्टी लग चुकी है और ये कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं। तो अब हमने इन्हें एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद जब ये एक दिन बाद सूख गए उसके बाद हमने कर दी इनकी घिसाई शुरू। तो गाइस यहाँ पर हमने सारे पार्ट्स को घिसकर एकदम साफ कर दिया, और फिर मुझे बहुत जल्दी हो रही थी बनाने की, तो मैंने कुछ पार्ट्स इसके असेंबल कर लिए बीच में, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये पार्ट्स हमने असेंबल कर लिए हैं यहाँ पर, तो ये हेड वाली साइड है, तो इसको मैंने असेंबल कर लिया है, हेड के पीछे के मैंने सब पार्ट्स यहाँ पर असेंबल कर दिए हैं। तो ये हेड है, इसके पीछे का छोटा पार्ट है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा कौन से पार्ट में कहाँ लगा रहा हूँ, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये हेड के पीछे के पार्ट्स हमने असेंबल कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये पीछे लगा दिए हैं, और आगे जो ये मोटर लगाने का पार्ट था वो हमने ऊपर अटैच कर दिया, और इसमें हमने दो अपनी सर्वो मोटर लगा दी हैं। तो ये सर्वो मोटर वाले छोटे छोटे पार्ट्स अलग से निकले थे, इसकी असेंबलिंग में मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये सर्वो मोटर का पार्ट है, तो इसमें आप लोगों को अपनी दो सर्वो मोटर लगा देनी है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ आपको उसी तरीके से यहाँ पर सर्वो मोटर्स लगानी है इसमें। और गाइस सर्वो मोटर को कसने के बाद आप लोगों ने जो इसका एंगल प्रिंट किया था वो आप लोगों को ले लेना है, और वो आप लोगों को इन सर्वो मोटर से अटैच कर देना है। तो गाइस उसके बाद हमने सर्वो मोटर में कोडिंग करी थी जो कि हमने करी थी आर्डिनो में, तो अगर आप लोगों को वो कोडिंग चाहिए तो नीचे दी गई जीमेल आईडी पे आप लोग मुझे लिखकर भेज सकते हैं, अगर आप लोगों को वो कोडिंग चाहिए तो मैं आप लोगों को प्राइवेटली वो कोडिंग भेज दूंगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये पार्ट हो चुका है रेडी, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा असेंबल हो चुका है, और कुछ पार्ट जो प्रिंट होने से रह गए थे वो हमने प्रिंट कर लिए हैं, तो इनको भी मैंने आगे जॉ वाले साइड के पार्ट थे और दो इसके ईयर थे तो वो हमने प्रिंट कर लिए हैं, और तो ये हमने जॉ इसका अटैच कर दिया है अपने आगे के बड़े वाले जॉ वाले पार्ट से, तो उससे हमने इसे अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद हम इस पे भी पुट्टी लगाएंगे और उसके बाद इसकी घिसाई शुरू कर देंगे। तो गाइस इन पार्ट्स को भी हमने घिस लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं एकदम चिकने हो चुके हैं ये सारे पार्ट्स। तो अब हम लोग इसे लेकर जा रहे हैं प्राइमर करने की तरफ। तो गाइस हम ये वाला प्राइमर यूज कर रहे हैं, ये मेटल वाला प्राइमर है, तो मेटल फिनिश देने के लिए हम लोग इस पे मेटल वाला प्राइमर यूज कर रहे हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो हमने प्राइमर लगाना शुरू कर दिया है, तो मैं ये भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस इन सारे पार्ट्स में प्राइमर होने के बाद हमने रख दिया है इन्हें सूखने के लिए, तो हमने इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए सूखने के लिए रखा था, और 2 से 3 घंटे के बाद जब ये सूख गए फिर हम लोग लेके चले गए इन्हें पेंट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हम लोग रेड और गोल्डन कलर के स्प्रे पेंट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रे पेंट से ज्यादा बढ़िया फिनिशिंग आती है, तो यहाँ पर हमने स्प्रे पेंट करना शुरू कर दिया है, तो ये भी मैं आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ।
थी, तो हमने एक रात सुखाया था, तो आप लोग ये सारे पार्ट्स देख सकते हैं। ये सब पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं एकदम ड्राई होकर। और गाइस जिसकी आप लोगों को आइज दिखाई दे रही है, इन्हें बनाने के लिए हमने यूज करा था एक सस्ते से लोकल वाले चश्मे का, 50 रुपीज वाले हमने चश्मे का यूज करा था। उसका हमने आगे के लेंस निकाल लिए थे और उनको निकाल के हमने आगे जो पैकिंग वाली पन्नी आती है, जो इसमें जो चिप्स वगैरह रख के आते हैं, आपने देखे होंगे कि चिप्स का एक बंडल आता है तो वो एक जालीदार पैकिंग वाली पन्नी में आता है, तो वो हमने जाली लगा दी है चश्मे के आगे जिससे थोड़ा ब्लर हो जाए। तो इसको लगाने के बाद हमने इसे असेंबल कर दिया और दो हमने यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगा दी हैं इसमें। और आप चाहें तो कॉस्टली लाइट्स भी मंगा सकते हैं एलईडी वाली अमेज़न से, तो वो 2000 रुपीज़ की थी, इसलिए हमने खुद ही बना ली इसकी लाइट्स। तो गाइज अब हम लोग चलेंगे इसके मेन पार्ट की तरफ, जिसमें करेंगे हम लोग इसकी असेंबलिंग। तो गाइज इसके पेंच थोड़े छोटे थे जो कि कस नहीं पा रहे थे, तो फिर हमने एल्फी का यूज कराया इसे असेंबल करने के लिए, तो एल्फी से भी काफी बढ़िया मजबूती आई है इसकी। गाइज ये हमने इसके हेलमेट के अंदर इसका टच सेंसर लगाया है जिससे ऑन ऑफ होता है, और ये इसकी दो मोटर्स हैं, और ये है हमारी ESP जिससे ये चल रहा है पूरा। और ये जो नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है इसका ऑन ऑफ स्विच जो कि हमने इसे ऑन ऑफ करने के लिए लगाया है, और ये है इसका पावर बैंक वाला मॉड्यूल जिससे ये मतलब पावर बैंक का काम करता है, और ये है इसकी बैटरी। तो गाइज इस समय हम लोग इसके चश्मे को असेंबल कर रहे हैं सामने वाले, तो आप लोग देख सकते हैं ये फ्रंट में इसकी आंखें हैं जिसको हम लोग असेंबल कर रहे हैं। सो गाइज तो फिर अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आप लोग इसकी पूरी असेंबलिंग आराम से। गाइज अगर आप लोगों को इस हेलमेट की वायरिंग से रिलेटेड एक फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है और कौन सा वायर आप लोगों को कहां पर लगाना है, तो उसके ऊपर मैं एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और गाइज अगर आप लोगों को इसकी कोडिंग चाहिए तो आप मेरे जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जीमेल आईडी, उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसकी कोडिंग प्राइवेटली सेंड कर दूंगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।